कुछ चटपटा खाने के लिए मन किया, इसलिए मार्केट से मैंने सोया चाप मंगा लिया हूँ। तो चलो सोया चाप आज बनाते हैं। पहले उसका कट करेंगे। देखिए पैकेट से इसको मैंने निकाल लिया हूँ। पहले सोया चाप को उबाल देंगे पानी पे। सोया चाप अभी बॉईल हो गया है, अभी इसको ठीक से सब निकाल देंगे बाहर। अभी उसको स्टिक सारे निकाल देंगे। स्टिक से निकल गया है, अभी इसको कट कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी, लाल मिर्च, थोड़ी सी कनफ्लोर, इसको तेल में फ्राई कर लेंगे। अब ये सारा फ्राई हो गया है। देखिए पहले मसाला फ्राई कर लेते हैं। अभी पैन में थोड़ा सा तेल दे देंगे। अभी इसमें प्याज दे देंगे, दो प्याज ले लेगा। हो गया है, अभी दो तीन हरी मिर्ची, थोड़ी सी अदरक, दो चार कलिया लहसुन की कलिया, इसमें सात आठ काजू दे देंगे, फ्राई करेंगे। दो टमाटर काट के रखे हूँ, उसको दे देंगे। अभी हमारा मसाला रेडी हो गया है, इसको मिक्सर में पीस लेंगे। अरे मसाला पीस लेंगे, फिर कढ़ाई में तेल दे देंगे। तेल गर्म हो गया, एक चम्मच जीरा दे देंगे, तीन तेज पत्ता, फिर इसमें पीसे हुए मसाला दे देंगे, जल के भूज लेंगे। अभी इसमें हल्दी दे देंगे। अभी इसमें मिर्ची पाउडर दे देंगे एक चम्मच, कश्मीरी रेड चिली, जीरा पाउडर एक चम्मच दे देंगे। मसाला को अच्छे तरह से मिला लेंगे। एक टमाटर काट के रखूँ, इसे टेबल के लिए थोड़ा सा दे देंगे, जिसे मुझे आए अच्छा लगेगा। अभी इसमें नमक ऐड कर लेंगे। अभी क्या करेंगे ना, सोया चाप सब डाल देंगे इसमें। पानी ऐड कर लेंगे। अभी हमारी सोया चाप रेडी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। रोटी आज चावल के साथ आप भी खा सकते हैं, मैं भी चावल के साथ खाऊंगी, रोटी के साथ भी अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।